नमस्कार। राजस्थान राज्य सभा चुनावी रण से ठीक पूर्व सियासी पारा इतना बढ़ चुका है जो अशोक गहलोत की सरकार गिराकर ही दम लेगा। जी हां दोस्तों, पिछले 2-3 दिन से अशोक गहलोत सचिन पायलट पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं और वो जिस तरह से सियासी ड्रामा कर रहे हैं उनका मकसद एक ही है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं सचिन पायलट, उनसे वो पद छीन करके अशोक गहलोत के किसी निजी नेता को वो पद दे दिया जाए। यानी कि पीसीसी चीफ का पद छीनने के लिए अशोक गहलोत की तरफ से राज्यसभा चुनाव से ठीक पूर्व इस तरह का ड्रामा किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो सचिन पायलट की विधायकी कांग्रेस से छीनकर उनको पार्टी से बर्खास्त करके जो राजस्थान की कांग्रेस से दरकिनार करने का काम अशोक गहलोत कर रहे हैं। जिस तरह से सिंधिया को कमलनाथ और दिग्विजय ने दरकिनार किया था, वही सेम नीति यहाँ पर सचिन पायलट के लिए अशोक गहलोत अपना रहे हैं। लेकिन आज सचिन पायलट ने अशोक गहलोत को करारा जवाब दिया है। अशोक गहलोत की तरफ से कहा जा रहा था कि सचिन पायलट खेमे के कई विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए में बीजेपी ने खरीद लिया है। हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप सचिन पायलट खेमे के विधायकों और बीजेपी पर लगाया था। साथ ही अशोक गहलोत ने कहा था कि 5 से 7 कांग्रेस के विधायक जो इसमें सचिन पायलट भी शामिल हैं, वो 19 जून से पहले अपना इस्तीफा देंगे और वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाएंगे। ये बात सच है। इस तरह की बात सीएम अशोक गहलोत ने कही थी। इसके अलावा भी कई तरह के खुलासे अशोक गहलोत की तरफ से किए गए, लेकिन इन सब पर सचिन पायलट कहीं ना कहीं चुप्पी छाए हुए थे। इसका क्या कारण रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन आज जैसे ही कांग्रेस के जो विधायक हैं उनकी बाड़ाबंदी चेंज की गई। पहले वो दिल्ली जयपुर हाईवे पर शिव विलास होटल के अंदर ठहरे हुए थे, आज उनको JW मैरियट होटल के अंदर ठहराया गया है। यहां पहुंचते ही डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अशोक गहलोत को करारा जवाब दिया और एक से कहा जा सकता है कि अशोक गहलोत और कांग्रेस के मुंह पर करारा तमाचा मारा। सचिन पायलट की तरफ से स्पष्ट संकेत मिले हैं कि कांग्रेस के 36 विधायक 19 जून से पहले कांग्रेस को छोड़ देंगे, अशोक गहलोत सरकार गिर जाएगी और ऐसे में निश्चित है कि बीजेपी एक बार दोबारा राजस्थान में सरकार बनाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट और उनके विधायकों के लिए कहा था कि 25-25 करोड़ रुपए में उनको खरीदा जा रहा है। उसका भी जवाब सचिन पायलट ने स्पष्ट तौर पर दिया कि हमारे पास या फिर हमारे किसी विधायक के पास तो इस तरह की कोई सूचना नहीं आई, हो सकता है कि सिर्फ अशोक गहलोत के पास आई हो। इस पर भी अशोक गहलोत ने एक बार फिर सचिन पायलट पर कटाक्ष किया और उन्होंने कहा कि राजस्थान की सरकार में डिप्टी सीएम सचिन पायलट का कद बहुत छोटा है और अशोक गहलोत का कद बहुत बड़ा है, इसलिए इस तरह की खबरें सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत के पास आती है। इसका भी सचिन पायलट ने करारा जवाब दिया और कहा कि आने वाले समय में किसका कद छोटा होगा, किसका कद बड़ा होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है, सूत्रों से जानकारी मिली है कि बीजेपी की तरफ से सचिन पायलट को ऑफर मिल चुका है और इस ऑफर के तहत सचिन पायलट को स्पष्ट कहा गया है कि यदि वो अशोक गहलोत की सरकार गिरवाते हैं तो अगले मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से सचिन पायलट होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से जो कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ है उसका अब बीजेपी फायदा उठा रही है। बीजेपी विपक्ष में नहीं बैठना चाहती है और विपक्ष में बैठने से अच्छा है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री की गद्दी सौंप दी जाए और कहीं ना कहीं सत्ता भी बीजेपी के हाथ में रह जाए। कुल मिलाकर के इसी गेम को कामयाब करने के लिए और ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने के लिए राजस्थान की कांग्रेस में ये घमासान मचा हुआ है। सचिन पायलट सीएम गद्दी पर बैठना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अशोक गहलोत है वो पीसीसी चीफ का पद भी सचिन पायलट से छीनना चाहते हैं। केंद्रीय नेतृत्व यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी के सामने सियासी ड्रामा करके अशोक गहलोत ये साबित करना चाहते हैं कि सचिन पायलट कांग्रेस से बागी हैं और पीसीसी चीफ का पद अशोक गहलोत के किसी नजदीकी को दे दिया जाए। ये पूरा खेल राज्यसभा सीट पर ही डिपेंड करता है। राज्यसभा सीट के लिए केसी वेणुगोपाल को केंद्र से भेज दिया गया। इनके केंद्रीय नेतृत्व में यानी राहुल गांधी के सलाहकार मंडल का ये उम्मीदवार है और दूसरा नीरज डांगी, जिसकी किसी भी विधायक से बनती नहीं है, किसी भी विधायक से उनकी कोई जो चाल चलन अच्छा नहीं है, अशोक गहलोत के काफी नजदीकी हैं, इसलिए दो तीन बार विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद भी इनको टिकट मिलता है और इसी कारण इनको राज्यसभा की उम्मीदवारी के लिए भी बैठाया गया है, जो सचिन पायलट खेमे के विधायकों को कतई पसंद नहीं है। अशोक गहलोत खुद कह चुकी हैं कि कांग्रेस के जो 5-7 विधायक 19 जून से पहले अपना इस्तीफा देंगे, और ऊपर से अशोक गहलोत झूठ भी बोल रहे हैं कि 107 विधायक उनके पास है, इस जेडब्ल्यू मैरियट होटल के अंदर मौजूद हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस के सिर्फ 94 विधायक वहां मौजूद हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि 2-3 जो निर्दलीय और 2-3 जो अन्य पार्टियों के विधायक हैं वो वहां पर जरूर मौजूद हैं, लेकिन कांग्रेस के सिर्फ 107 में से 94 विधायक ही मौजूद हैं। बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा दिया गया है। एसीबी की टीम है वो बीजेपी के नेताओं के खिलाफ और सचिन पायलट खेमे के 2 मंत्री जो अशोक गहलोत सरकार के अंदर है उनके पीछे लगा दी है। इसके अलावा एसओजी को ये पूरी की पूरी मामले की जांच सौंप दी गई है अशोक गहलोत की तरफ से, यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है और अब ये कांग्रेस में जो आपसी दरार है वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट खेमे के 36 विधायकों के इस्तीफे से भरी जाएगी और उसके बाद सचिन पायलट राजस्थान में दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, या यूं कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से अगले मुख्यमंत्री के दावेदार सचिन पायलट होंगे। यानी कि विपक्ष में बैठने से अच्छा है कि पक्ष में बैठकर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद सौंप दिया जाए। कुल मिलाकर के अब निर्दलीय उम्मीदवार भी बीजेपी के साथ आएंगे। जब 36 विधायक जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे तो अशोक गहलोत की सरकार गिर जाएगी, अल्पमत में चली जाएगी और ऐसे में कहीं ना कहीं दोबारा सचिन पायलट मुख्यमंत्री राजस्थान के बनने जा रहे हैं। इस तरह का बड़ा घमासान अब राजस्थान की कांग्रेस में मचा हुआ है। अशोक गहलोत की सरकार सिर्फ गिने दिनों की मेहमान रह चुकी है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं है कि अब कांग्रेस की अशोक गहलोत गिरने वाली है। अशोक गहलोत के सिर से जो मुख्यमंत्री पद है वो छीना जा रहा है। कुल मिलाकर के सिर्फ आला कमान को खुश करने के लिए अशोक गहलोत की तरफ से इस तरह का सियासी ड्रामा किया गया। पीसीसी चीफ का पद भी अशोक गहलोत अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन सचिन पायलट खुद कांग्रेस को छोड़कर पीसीसी चीफ का पद भी छोड़कर बीजेपी में जाना चाहते हैं। 11 जून को राजेश पायलट जो सचिन पायलट के पिताश्री हैं उनकी पुण्यतिथि पर 22 विधायकों को हरियाणा के मानेसर में शिफ्ट होना था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 36 कांग्रेस के विधायक अशोक गहलोत को सरेआम झटका देंगे, डंके की चोट पर एक तरह से वो अपने पद से इस्तीफा देंगे और बीजेपी में शामिल होंगे। और बताया यह भी जा रहा है कि 17 तारीख को कांग्रेस के विधायकों की मॉक वोटिंग भी होगी और ऐसे में कहीं ना कहीं उस टाइम स्पष्ट हो जाएगा कि कौन किसके साथ है। सचिन पायलट खेमे में कितने विधायक हैं, अशोक गहलोत के खेमे में कितने विधायक हैं, लेकिन राज्यसभा सीटों के लिए बीजेपी कहीं ना कहीं इसका कांग्रेस के आपसी लय का पूरा फायदा उठाने जा रही है और विपक्ष में बैठने से अच्छा है कि वो पक्ष में बैठे, सरकार में बैठे। इसलिए सचिन पायलट को जो मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से अगला मुख्यमंत्री बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। और बताया यह भी जा रहा है कि आने वाले समय में ऑपरेशन लोटस है वो कामयाब होगा। 19 जून से पहले सचिन पायलट ऑपरेशन कमल के लिए काम कर रहे हैं, उसमें कामयाबी हासिल कर लेंगे। और जिस तरह से अशोक गहलोत 108 एम्बुलेंस खरीद घोटाले सहित कई घोटालों में लिप्त हैं और एक ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को, भ्रष्ट नेता को एक तरह से राजस्थान की मुख्यमंत्री गद्दी सौंप दी गई है, उसके हिसाब से कम बहुत अच्छा है कि सचिन पायलट जो दागदार तो नहीं है, किसी तरह का दाग तो उन पर नहीं है, कम से कम वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो राजस्थान की जनता को थोड़ी राहत मिलेगी। युवा नेता हैं और विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस ने सचिन पायलट के नाम पर ही लड़ा था। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट के बीच में कई बार बातचीत हो चुकी है। इसके अलावा एक बड़े नेता के द्वारा बीजेपी के संगठन के नेता से बात करने का खुलासा भी आज अशोक गहलोत की तरफ से किया गया है। इसके अलावा 2 जो कांग्रेस के मंत्री हैं उनके घोटालों को लेकर के उन पर एफआईआर दर्ज किया गया है। इस तरह से कहीं ना कहीं जो सचिन पायलट खेमे के विधायक हैं उनको फंसाने का काम अशोक गहलोत की तरफ से किया जा रहा है। जब चूरू के अंदर, राजगढ़ के अंदर जो विष्णु दत्त सीआई साहब थे, इन्होंने आत्महत्या कर ली थी, उनके लिए सीबीआई जांच की मांग करने के लिए इन्होंने आगे पीछे सब कुछ एक तरह से बंद कर दिए सारे दरवाजे, लेकिन आज खुद के लिए एसओजी की जांच है वो यूं सेकंडों में करवा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ऐसे में स्पष्ट देखने को मिल रहा है कि किस तरह से अशोक गहलोत और कांग्रेस का दोहरा चेहरा राजस्थान में दिख रहा है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस को अब बड़ा झटका सचिन पायलट देने जा रहे हैं, ये बात क्लियर हो चुकी है। अब तक सचिन पायलट अशोक गहलोत के जो आरोप थे उनका कहीं ना कहीं जो जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन अब सचिन पायलट खुलकर सामने आ चुके हैं। अशोक गहलोत की बातों को दबाने में एक तरह से उनकी जो पहल है वो हो चुकी है और हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप को पूरी तरह से सचिन पायलट है वो खारिज कर चुके हैं। और इससे स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में अब दरार पड़ी हुई है, वो 36 कांग्रेसी विधायकों के इस्तीफे देने के बाद ही भरेगी। और कांग्रेस को बड़ा झटका शिवसेना की तरफ से भी दिया गया है, अशोक गहलोत की पूरी पोल खोल दी गई है। शिवसेना के सामना में स्पष्ट लिखा गया है कि सचिन पायलट और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ मुलाकात हो चुकी है और बीजेपी ने बड़ा ऑफर सचिन पायलट को दिया है। और इसी कारण ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि बीजेपी ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाने का ऑफर दे दिया है। विपक्ष में बैठने से अच्छा है कि सत्ता में बैठा जाए, इसलिए सचिन पायलट को बीजेपी अगला मुख्यमंत्री राजस्थान का बना सकती है। फिलहाल इस खबर पर आपके क्या विचार हैं? क्या सचिन पायलट 36 विधायकों के साथ बीजेपी के साथ जाकर अशोक गहलोत की सरकार गिरा देंगे? और क्या अशोक गहलोत सिर्फ पीसीसी चीफ का पद हड़पने के लिए और जो सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस से दरकिनार करने के लिए इस तरह का सियासी ड्रामा कर रहे हैं? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या अशोक गहलोत अपनी सरकार बचा पाएंगे? क्या अपने मुख्यमंत्री गद्दी बचा पाएंगे? इस पर भी आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।